नमस्ते, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो यार, आज मैं जाने वाला हूँ। मेरा मन बिल्कुल नहीं है वहां जाने का, और मैं ना चाहते हुए मुझे जाना पड़ेगा। मेरी आंखें में हो गई है दिक्कत। क्या ये जो ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट होता है ना आंख में, ये कंचा जैसा दिखता है, जो उसके ऊपर किसी एलर्जी की वजह से व्हाइट व्हाइट मांस जो होता है ना, मांस वो उसके ऊपर चढ़ने लग गया है। तो वो उभरा हुआ है, और वो ना पलक ऊपर नीचे करता हूँ तो वो चुभता है और पानी निकलता है, हटता है आंखों में से। तो इसीलिए वो दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाना है। जाना कहाँ है? लाजपत नगर, लाल साई हॉस्पिटल। तो देखते हैं अब क्या होता है, मेरे को बिल्कुल मन नहीं। और हाँ, एक बात और, मैं कल भी गया था तो कल वो डॉक्टर बैठे नहीं। आईज वाले जो डॉक्टर होते हैं वो वेडनेसडे और सैटरडे को बैठते हैं। तो मेरे पैर में भी कुछ दिक्कत हो चुकी है, मतलब उससे चला भी नहीं, चला तो अब जा रहा है, दर्द बहुत दर्द रहता है। मतलब जैसे ही पैर रखता हूँ ना तो दर्द होता है। वो पता नहीं खुजाने से हुआ है या बाल वाल टूट गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कल मैंने वो दिखा दिया था और आज मैं जा रहा हूँ दोबारा से उसी हॉस्पिटल में आई टेस्ट कराने। इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख पाओ तो आप, अगर आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लैक ब्लैक पुतली है ना, इसके बगल में देखो ये व्हाइट व्हाइट हो रहा होगा। ये जो लाल हो रही है ना, ये नसें लाल हो के जो ब्लैक व्हाइट व्हाइट पे, सॉरी, ये व्हाइट व्हाइट से मांस निकल रहा है ना, ये ब्लैक ब्लैक पे धीरे धीरे मतलब बढ़ता जा रहा है ये। तो यही चेक कराने जा रहा हूँ मैं। देखो, दिख रहा होगा आपको या नहीं दिख रहा होगा तो एक शायद पिक खींच के भी डाल दूंगा मैं। हाँ, तो यही यही दिखाने जा रहा हूँ। बस आज डॉक्टर आ जाए और चेकअप हो जाए हमारा, फिर वो भी बताते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलो फिर मिलते हैं रास्ते में आपसे। तो अभी जो आपने इससे पहले वाली क्लिप देखी थी, उसमें पता है क्या हुआ? ये जो मेरा ट्राइपोड कम मोनोपोड है ना, उसकी जो वो होती है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ देखो, ये चीज़, ये जो रबड़ रबड़ लगी हुई है जिसकी, ये फ़ोन की जो ग्रिप होती है, ये निकल गई थी। तो फ़ोन ना अभी नीचे गिर गया था। तो अभी हमने इसको, ये जो 5 रुपये की फेविक्विक आती है, इससे जोड़ दिया है। तो ये अब मुश्किल ही निकलेगी ना के बराबर। तो आपने देखा ही होगा, ये यंग टीन का मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, ट्राईपोड कम मोनोपोड। ये ट्राईपोड भी बन जाता है और ये सेल्फी स्टिक भी है और मोनोपोड भी है। तो आपको लेना हो तो ले सकते हैं फ्लिपकार्ट पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोबारा दे दूंगा। बाकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो उसको मैं आई बटन में अनबॉक्सिंग की वीडियो डाल दूंगा, आप उसमें से देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, उसमें से देख सकते हो। हाँ, तो अब हमारा वो ट्राईपोड का मोनोपोड जुड़ चुका है यंग टीन वाला, तो मैं अब उसी से शूट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप उसकी ग्रिप। तो चलो चलते हैं फिर। यार मुझे लग रहा है ना कहीं ज़्यादा दिक्कत ना हो आँख में और वो कुछ लंबा चौड़ा खर्चा ना बिठा दें। चलो कोई नहीं, फिर भी चलते हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड में आप लोगों के लिए आज फिर एक मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है, समझ जाओगे तो मतलब लाइफ में ना हर काम अचीव कर लोगे। तो चलो चलते हैं, भगवान का नाम लेके हॉस्पिटल चलते हैं। बाय, मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्त का नाम भी जान ले। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल सचिन वाल्मीकि हार्डवर्क टू सक्सेस। मेहनत करते जाओ, सक्सेस जरूर मिलेगी। तो चलो चलते हैं वीडियो पे, ज्यादा बात ना करते हुए।
गाइस हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं आज डॉक्टर आया है नहीं आया, तो चलो मिलते हैं आपसे अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ मैं, और कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, पर यहाँ पेड वैक्सीन है, फ्री वाली नहीं है। डेट्स इट। यहाँ तो लाइन लग रही है, लाइन लग रही है, पर्ची भी है। लास्ट में कौन है? आपो। ये देखो गाइस हमारी पर्ची बन चुकी है, ये कल की है, पर ये कल की है पर आज की डेट डलो। ये देखो रूम नंबर 11। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, और मैं कैसे यार, मतलब इतना दिमाग खराब हो गया है ना वहां से आने के बाद, कुछ नहीं यार, पता है क्या बताया उन्होंने आंखों में, उन्होंने बताया कि ये कोई एलर्जी हो गई है, जैसे कि हवा में जो डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं ना, तो उसमें से बहुत सारी मतलब जम्स टाइप में भी आ जाते हैं, तो उसी के कारण ये एलर्जी हो चुकी है आंखों में, जिसकी वजह से ये जो वाइट वाइट पे जो ये जो मांस होता है ना, ये हल्का हल्का ये वो ब्लैक ब्लैक पे चढ़ता जा रहा है, यानी कि मांस जो होता है ना, मांस मसल्स बोलते हैं जिसको, वो छोट आंखों में भी होती है, तो वो ही बढ़ती जा रही है, तो जिसके कारण ना ये जो बढ़ तो गई है, पर ये ना उभर रही है, जो पलक मैं ऊपर नीचे भी करता हूँ ना अपनी, तो चुभती है, इसमें से पानी निकलता रहता है। तो उन्होंने बताया कि ये मतलब हटेगी तो नहीं, तो ये यहीं रुक सकती है, अगर उन्होंने मतलब एक आई ड्रॉप दिया है और दो दवाई और दिए हैं, लिख के दिए हैं, वो मेरे को बाहर से लेनी पड़ेगी, और वो दवाई मतलब रुक गई तो ये बढ़ना दोबारा चालू हो जाएगा, और नहीं मतलब रेगुलर लेता रहा तो ये यहीं रुक जाएगी। तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा उन्होंने उनसे फिर कि ये मतलब लाइफ टाइम के लिए रहेगा, मतलब जो इतना सा हो गया ये, तो उन्होंने बोला हाँ ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा, पर उससे आई साइड मतलब देखने की शक्ति पे कोई असर नहीं होगा। तो बट यार ये चुभता है, तो मैंने उनसे पूछा था मेरे को ये हटवाना है, तो कह रही उसके लिए ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन तो यार मतलब आंख का ऑपरेशन होगा तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, मतलब आंख की नजरें भी कमजोर होती हैं ऑपरेशन से, अगर ऑपरेशन हो जाता है एक बार तो, और पैसे भी बहुत लगते हैं। अब जाते हैं, और मम्मी पापा तो अभी जॉब गए हुए हैं, उनको आगे बताऊंगा, अब उनसे डिस्कस करूंगा, तो वो ही बताएंगे कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना, या कहीं और चेक कराऊंगा। तो यार मतलब मूड इतना खराब हो गया है ना, ये बात सुन के पूछो मत यार, मतलब यार किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों होते हैं सब। और हाँ आपको एक मैसेज और देना था, हाँ तो आप सबके लिए एक मैसेज है कि आप सबके घर में भी बच्चे होते होंगे, वो भी मतलब बचपन से ही किसी न किसी स्किल में माहिर होते होंगे, कोई स्विमिंग में, कोई क्रिकेट में, कोई डांसिंग, कोई सिंगिंग एसेट्रा। तो मैंने बहुत से घरों में देखा है कि बहुत से क्या, मैं अपने एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे घर में भी है, मुझे डांसिंग करनी है, और घर वाले मतलब मना नहीं करते पर सपोर्ट भी नहीं करते। तो मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चा अपने उसमें माहिर होता है स्किल्स में, मतलब बचपन से ही वो आगे जाके उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, तो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट करें, इन सब में बहुत स्कोप है, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक। तो कृपया आप सभी अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, सबको सपोर्ट करें कि उसको जो करना है वो करने दें, मतलब अपने फ्यूचर के लिए उसने जो सोच रखा होगा ना, अच्छा ही सोच रखा होगा, कुछ सोच समझ के ही सोचा होगा कि हाँ मैं वो चीज़ कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करें अपने बच्चों को, भाई को, बहन को, कोई भी हो आपके घर में जो कुछ करना चाहता है उसे करने दें, और पढ़ाई भी करवाएं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई ना करवाएं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ना कि पढ़ लेगा लिख लेगा तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। एक बात बता दूं आपको, सरकारी नौकरी, बिगड़ सरकारी नौकरी वाले बंदे भी लैम्बोर्गिनी फरारी में डोलते हैं, तो वैसा ही वो भी बनना चाहता है, बट आप सभी लोग सरकारी नौकरी मानता हूँ, सरकारी नौकरी परमानेंट होती है, बट बच्चे का फ्यूचर भी तो देखना है,
उसको उसको भी तो खुशी चाहिए, मतलब आप लोगों ने आपने उसकी खुशी के लिए तो करा होगा, तो प्लीज सपोर्ट कर कीजिए अपने बच्चों को जो भी करते हैं। मैं ये सुबह मूवी देख रहा था तो उसमें ये सीन था कि मतलब वो बच्चा स्विमिंग करना चाहता था, उसके पापा बोलता था कि मैं भी कबड्डी करना चाहता था बस नहीं कर पाया, तो ये भी पढ़ लिख लेगा तो हमारी तरह गरीब नहीं होगा। यार तुम भी करना चाहते थे, तुम भी कबड्डी में ज्यादा फोकस रखते, तुम्हारे पेरेंट्स भी सपोर्ट करते तो वो भी बन जाते, कबड्डी में उनका स्कोप हो जाता। बट वो भी अपने पेरेंट्स की तरह ही कर रहा था, कि वो भी अपने मम्मी पापा की तरह अपने बच्चे को बोल रहा था कि कुछ नहीं रखा स्विमिंग में, कुछ नहीं होता, पढ़ेगा लिखेगा नौकरी मिल पढ़ेगा लिखेगा नौकरी मिलेगी अच्छी, तो प्लीज ऐसा ना करें। बट उसकी मम्मी सपोर्ट करती थी उसे, तो वो कुछ बन ही गया आगे जाके स्विमिंग में। तो आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। और एक बात और, कभी भी ना अपने बच्चों को मतलब ऐसा कर दीजिए कि वो अपने सपने तो पूरे करे, बट किसी रॉन्ग वे में ना जाए। बाकी आप लोग खुद समझदार है आपके, वो अपने बच्चों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना आपने पहले से सोच रखा हो। बस मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, एक सलाह बोलते हैं ना जिसको, वो दे रहा हूँ, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं बट स्टडी लाइन में नहीं किसी और लाइन में, जैसे कि म्यूजिक सिंगिंग डांसिंग एक्सेट्रा, फुटबॉल क्रिकेट वगैरह में, तो उनको उसमें भी सपोर्ट करें, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे स्कोप हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपने अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, नीचे आईडी शो हो रही होगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत जरूरत है आपके। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में मेरी कोई भी वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ये मैसेज जरूर सबके पास पहुँचा दे, ताकि औरों के भी पेरेंट्स अपने बच्चों का सपोर्ट करें। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग है, याद रखना ब्लॉग। तो जिस किसी ने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, साइड में आपको पेज दिख रहा होगा। और चैनल पे पहली बार आए तो लाइक कमेंट शेयर तो सब्सक्राइब करें बगैर बिल्कुल मत जाना। चलो मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय टाटा।